तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चैप्टर 75 पूरा आ चुका है, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल हिलाएगा, और इसने वो कर दिया है क्योंकि इस चैप्टर में ग्रेनोला वेजिटा से टक्कर ले रहा है और उसके लेवल पे उससे लड़ रहा है, जो कि शायद होना ही था क्योंकि यार गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को पहली बार में ही मास्टर कर लेना इतना आसान भी नहीं हो सकता। लेकिन वेजिटा भी ऐसा नहीं है कि जो हार मान जाए, वो भी अपने लेवल को और बढ़ाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें आगे चैप्टर में दिखेगा, इसलिए वीडियो में बने रहो और इस वीडियो को लाइक करो और वीडियो को लास्ट तक देखो। और ग्रेनोला वेजिटा को बीट कैसे कर रहा है इस पे हम और किसी दिन बात करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं इस चैप्टर पे। तो चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा एक तेज पावर अप करता है जिससे ग्रेनोला बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, तुम्हारी पावर्स असीम है लेकिन इसका मतलब क्या है? अब उन पावर अप की वजह से ग्रेनोला पीछे होने लगता है और बचने की कोशिश करने लगता है। तभी वेजिटा उसके सामने आके उसके गलेवान को पकड़ कर कहता है, तुम्हारी गर्दन कुछ ज्यादा ही उठ रही है, अब उसे नीचे करने का समय आ गया है। और अपने अंदाज में कहता है, तैयार रहो मेरे सख्त प्यार की खुराक के लिए। फिर वो अपने सिर से उसके सिर पर मारता है और उसे दूर फेंक देता है, और ग्रेनोला जमीन पे घिसड़ता हुआ जाने लगता है। लेकिन ग्रेनोला खुद को संभाल लेता है और जैसे ही वो जंप करके खड़ा होने की कोशिश करता है, वैसे ही वेजिटा उसके पास आके दोनों हाथों से मारता है और ग्रेनोला नीचे जाते हुए चट्टान से टकराता है और दूर जाने लगता है। तभी फिर से वेजिटा आता है और उसे एक किक मारता है। ग्रेनोला फिर दूर जाने लगता है और जाते जाते वेजिटा पे एम करने लगता है, लेकिन वेजिटा पीछे जाके उसे घुटने से मारता है और ग्रेनोला जमीन से टकराता है और तुरंत धुएं से निकलते हुए आकर वेजिटा के पेट पर मारता है। लेकिन वेजिटा अभी भी स्माइल कर रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन अपनी स्माइल के साथ वेजिटा वहीं खड़ा रहता है और कहता है, ये चीज, ये लड़ाई मेरे खून और मेरी आत्मा को और चला रही है और इसमें मैं और स्ट्रॉन्गर और ज्यादा ग्रो करूंगा। अब देखो वेजिटा तो ऐसी ऐसी लाइन मार रहा है जो और ज्यादा हमें मजा दिला रही है। अब वेजिटा ग्रेनोला का सिर पकड़कर ग्रेनोला को अपने साथ नीचे ले जाने लगता है और उसे उसकी सिटी पर फेंक देता है, जिससे ग्रेनोला उन बिल्डिंग से टकराता हुआ गिरता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ग्रेनोला फिर उसके बाद संभलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वेजिटा स्पीड से आते हुए ग्रेनोला के पेट पर किक मारता है और ग्रेनोला उन बिल्डिंग से टकराते हुए स्पीड से जाने लगता है और दूर गिरता है और वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से एक अलग ही इंसान बन गया है। इतना डैमेज खाने के बाद भी वो अभी भी शक्तिशाली है, और क्या है ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? वो ऐसा कह ही रहा होता है, तभी वेजिटा उसके पीछे खड़ा होकर कहता है, हमारे यूनिवर्स एक ही है जहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे लोग भी हैं, और उनमें से एक ने मुझे ये पावर सिखाई है। अब उसको सुन के ग्रेनोला पीछे की तरफ कूद जाता है और कहता है, तो तुम्हें ये पावर किसी गॉड ने दी है? तो वेजिटा इसका रिप्लाई देता है, अगर मैं कहूँ नहीं, ये पावर मेरी खुद की है और हमारी लड़ाई में ये पावर जागी है और ये पावर्स मेरे जन्म से मेरे साथ है। ग्रेनोला बिल्कुल डरा हुआ है और डरते हुए वेजिटा से कहता है, तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हारी इस पावर को बाहर निकाला है? वेजिटा कहता है, हाँ बिल्कुल, और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब ग्रेनोला बिल्कुल गुस्से में कहता है, बहुत हो गई ये बकवास, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है, और वेजिटा पे बड़ा अटैक कर देता है और वेजिटा वहीं खड़ा रहकर उसको भी झेल जाता है और कहता है, अच्छा अच्छा, मुझे इससे एक खरोच भी नहीं आई, और करो। और ग्रेनोला एक के बाद एक स्नाइपर अटैक करने लगता है और करता जाता है, जिससे वेजिटा उसके धुएं में घिर जाता है और ग्रेनोला अटैक करता रहता है। तभी वेजिटा धुएं से बाहर निकलता है, जिससे ग्रेनोला की फट जाती है और मुंह खुला का खुला रह जाता है और तुरंत एक शील्ड बना लेता है। और वेजिटा अपने हाथ से मार ही रहा होता है तो वो शील्ड से बच जाता है और शील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता और वेजिटा दूर खड़ा हो जाता है। और ग्रेनोला कहता है, तुमने डॉज क्यों नहीं किया? तुम्हारी पावर्स तुम्हारे साथी की तरह नहीं है जो उसके शरीर को खतरे से बचाए। तुम कैकरोट की अल्ट्रा स्टिक की बात कर रहे हो क्या? मेरी पावर्स को उस बेकार सी टेक्निक से कंपेयर मत करो। कैकरोट के शरीर का अपना दिमाग हो सकता है, लेकिन मेरा पूरा ईगो है। इनफैक्ट आगे बढ़ो और इसे कहो अल्ट्रा ईगो। देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है कि वेजिटा में पूरा ईगो भर चुका है, तभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी बेकार बोल रहा है। लेकिन वो छोड़ो, तुम बताओ ये नाम क्या सही है, अल्ट्रा ईगो? तो अब ग्रेनोला कहता है,
तुमने कहा अल्ट्रा ईगो, और वेजिटा दौड़ने वाली पोजीशन लेके खड़ा हो जाता है और तेजी से ग्रेनोला की तरफ दौड़ने लगता है, जिससे ग्रेनोला बिल्कुल डर जाता है और वेजिटा उड़ के ग्रेनोला को लात मारता है, जो शील्ड में घुसते हुए ग्रेनोला के मुंह पर लगती है और ग्रेनोला दूर जाके गिरता है। और फिर हमें बूढ़े मोनाइतो को दिखाया जाता है, जो दूर खड़े होकर सब महसूस कर पा रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे लगा ही था ग्रेनोला किसी लड़ाई में फंस गया है, पर उससे लड़ कौन रहा है? फ्रीजा, ये हो सकता है। और इधर ग्रेनोला वेजिटा से कहता है, तुम फ्रीजा भी नहीं हो और मैं तुमसे हार रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, किसी घटिया सेयन से मैं हार नहीं सकता। फिर वेजिटा कहता है, मुझे नहीं पता तुमने ये सब किससे सुना है, पर हमारा प्लेनेट वेजिटा किसी बड़े मीटियोर से खत्म नहीं हुआ था। ग्रेनोला कहता है, क्या? वेजिटा कहता है, वो फ्रीजा ने ही किया था, उसने खुद ही प्लेनेट वेजिटा को खत्म किया था। अब ये सुन के ग्रेनोला बिल्कुल हैरान हो जाता है और वेजिटा कहता है, हमारी सेयन जाति भी विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी है। ग्रेनोला कहता है, क्या ये सच है? और इसका मतलब वेजिटा भी चाहता है कि सब खत्म हो, कोई फालतू की लड़ाई ना हो। और तभी उसका उटमिल उससे कहता है, तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट से हट रहे हो, जो तुमने कहा था। ग्रेनोला कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम झूठ बोल रहे हो या सच, पर ये रीजन नहीं है तुम सेयन के खिलाफ बदला लेने का। और कहते कहते उसके सिर पर घूंसा मार देता है और वेजिटा फिर भी वहीं खड़ा रहता है और ग्रेनोला फिर हैरान हो जाता है और ग्रेनोला फिर हैरान हो जाता है और वेजिटा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो या नहीं करो, पर मैं सच बोल रहा हूँ, और एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी दया की जरूरत है। और वेजिटा एक किक मारता है, जिससे ग्रेनोला दूर उड़ते हुए जाता है, लेकिन वो अपने कपड़े की मदद से वहाँ बिल्डिंग को पकड़कर बच जाता है और वहीं बैठ जाता है। फिर उसका ओटमिल उससे कहता है, ऐसा लगता है कि सेयंस भी तुम्हारी तरह ही है, तो क्या इससे ये बदल नहीं जाएगा कि सेयंस ने मेरे लोगों को मारा है? ओटमिल कहता है, और ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों को इस बात की जानकारी थी, तो ओटमिल ने तो सही बात पकड़ ली है। लेकिन ग्रेनोला अब भी कुछ समझना ही नहीं चाहता। अब ग्रेनोला चिल्ला के कहता है, इनफ ओटमिल, और उसे उतार कर फेंक देता है। ग्रेनोला कहता है, मैं खुद ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मुझे तुम्हारी और जरूरत नहीं है, और वहां से उतर कर वेजिटा के पीछे आ जाता है। वेजिटा उसे देख के कहता है, ओह तो ये वो लाल आंख है जो लोगों पर निशाना लगाती है। ग्रेनोला कहता है, तुमने कहा कि मुझे अपनी पावर्स की आदत नहीं है। वेजिटा अपने ही एटीट्यूड में कहता है, हाँ मैंने कहा तुमने अपने समय में ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं देखी है। ग्रेनोला कहता है, तो मुझे अब तुम्हारे खिलाफ अनुभव की कमी की भरपाई करनी होगी। अब ये सुन के वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, क्या? ग्रेनोला कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं हो जो इस लड़ाई में अकेले ग्रो कर रहे हो। और ये कह के ग्रेनोला पावर अप करता है और अपने पीछे वाली बिल्डिंग को अपनी पावर से उठा के वेजिटा के ऊपर फेंक देता है। लेकिन वेजिटा वहीं खड़ा होके उसे एक हाथ से उठा लेता है और तोड़ देता है। वेजिटा कहता है, क्या है ये? तो तुम अब इस पुरानी सिटी को ही खत्म करने के लिए तैयार हो? अब ये सुन के ग्रेनोला फिर उन टूटे हुए टुकड़ों को अपनी पावर से उठाता है और फिर से वेजिटा पे फेंक देता है, जिसके छोटे बड़े टुकड़े वेजिटा को लगते हैं और एक बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरी तरफ धूल बिखर जाती है और वेजिटा उसके बीच में भी अभी खड़ा रहता है और अपना जो आर्मर होता है उसे निकाल कर फेंक देता है और कहता है, तो ठीक है इसे शुरू करते हैं। और इधर ग्रेनोला का ओटमिल पड़ा होता है और बीप बीप साउंड निकाल रहा होता है। तभी ग्रेनोला की जो सिप होती है वो भी बीप बीप साउंड निकालते हुए वहां आता है और आके ओटमिल उठा लेता है और वहां से दूर चला जाता है। अब इधर वेजिटा और ग्रेनोला की फाइट चल रही होती है। वेजिटा एक पंच मारता है तो ग्रेनोला एक किक वेजिटा के पेट पर मारता है। दोनों लड़ते रहते हैं। वेजिटा दोनों हाथ से ग्रेनोला को मारता है और नीचे गिरा देता है और वेजिटा अपने पेट पे हाथ लगा के देखता है कि उसके पेट से खून आ रहा है। वेजिटा कहता है, इसे जारी रखते हैं, मुझे और स्ट्रांग बनना है। और नीचे से एक की अटैक आता है, जिससे वेजिटा बच जाता है और नीचे देखता है। ग्रेनोला वहां खड़ा होकर कहता है, तो तुमने आखिर इसे डॉज कर ही दिया या तुमने अपनी आखिरी लिमिट को हिट कर लिया है? ग्रेनोला ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी तक वेजिटा उसके अटैक को अपने ऊपर ले रहा था बिना डॉज किए। अब वेजिटा कहता है, सेयंस की फाइट की एबिलिटी पर डाउट करना ना समझी है, क्योंकि हम युद्ध के लिए ही जीते हैं। अब इधर गोकू को दिखाया जाता है। इधर गोकू नदी में मुंह धो रहा होता है और बुरी हालत में होता है और उनको दूर से ही देख रहा होता है और देखते हुए कहता है, क्या ये सच है? वो पहले वाला वेजिटा कहाँ है?
और हमेशा के मुकाबले ग्रेनोला के मूव्स और अच्छे हो गए हैं। लगता है ये फाइटिंग की वजह से हुए हैं। गोकू की बॉडी में वो दर्द अभी भी है और वो फिर होने लगता है। गोकू कहता है, मैं ऐसे इस सब से हमेशा अलग नहीं रह सकता। बॉडी तुम मेरे लिए मुझे ठीक करो। अब इधर ग्रेनोला लगातार की अटैक वेजिटा पे कर रहा होता है, जिसे वेजिटा बस अपने ऊपर लिए जा रहा है। अब वेजिटा एक बड़ा अटैक ग्रेनोला पे कर और ग्रेनोला उस अटैक से दूर गिरता है। वेजिटा कहता है, टेनेसियस वॉर्म, जो एक कीड़ा है। अब यहाँ वेजिटा बहुत थक गया है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। वेजिटा कहता है, नहीं नहीं, आंखें धुंधला रही है, मैंने कुछ ज्यादा ही डैमेज ले लिया है। अब ग्रेनोला एम बना के वेजिटा को निशाने में रखता है और वेजिटा ये देख के कहता है, कर्ष हिम, मैं अभी भी खड़ा हूँ लड़ने के लिए, और पावर अप करने लगता है और एक बड़ा सा अटैक। लेकिन ग्रेनोला अब भी एम करके खड़ा रहता है और वेजिटा कहता है, इसके छूते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अपने प्यारे प्लेनेट की रक्षा करना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम इसे रोक दो। लेकिन ग्रेनोला वहीं खड़ा रहता है और फिर वेजिटा कहता है, ओह तुम बहादुर हो, तो ये तुम्हारा अंत होगा। और बोलते बोलते उस अटैक को ग्रेनोला की तरफ फेंक देता है। लेकिन ग्रेनोला अभी भी वहीं शांत खड़ा रहता है और एम करे रखता है और उसकी दूसरी आंख भी रेड हो जाती है, उसके स्नाइपर आंख की तरह। वेजिटा ये देख के बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है, उसकी दूसरी आंख भी लाल हो गई है। अब ग्रेनोला दोनों हाथ से फायर करने लगता है और कहता है, खाओ इसे, और अपने अटैक को वेजिटा के अटैक पर मारता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो लगभग आधे प्लेनेट तक दिखता है। और इधर मोनाइतो और ऑयल और गोकू भी इसे महसूस कर पाते हैं। पूरी धरती कांपने लगती है और उसके सिप तक उसका इम्पैक्ट लगता है और इधर पूरी जगह धुएं में बदल जाती है और वेजिटा वहां गिरा हुआ होता है और ग्रेनोला उसके सामने से आ रहा होता है। अब ये देख के वेजिटा कहता है, डैमिट, इसने ये कैसे किया। ग्रेनोला कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ सेयन, तुम्हारी वजह से मेरी ये पावर्स बाहर निकली है। ये सुन के वेजिटा बिल्कुल हिल सा जाता है। तो तुम सब भी समझ गए होगे कि आखिर वेजिटा क्यों कमजोर हुआ है, क्योंकि ग्रेनोला को अपनी पावर का पता ही नहीं था। लेकिन अब वो धीरे धीरे फाइट से सब सीख रहा है और इसका मतलब है कि आगे कुछ भी हो सकता है। और अब हमें दिखाया जाता है माकी को, जो धमाके को देखकर ऑयल से कॉन्टेक्ट करती है और पूछती है, तुम मुझे बता सकते हो कि इस भयंकर धमाके का मतलब क्या है? मेरा मतलब आखिर वहाँ चल क्या रहा है? मैं अभी एक पीस में ही हूँ और वो ग्रेनोला लड़ रहा है। तभी वहाँ एलेक आता है और कहता है, ओ मैं खुश हुआ, मुझे लगा था कि ग्रेनोला अब फाइट को हार जाएगा, पर अब मुझे लगता है कि ये फाइट अभी भी डिसाइड नहीं है। माकी ये सुन के कहती है, हाँ वो तीनों एक दूसरे को कमजोर कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। एलेक कहता है, हाँ जैसा कि हमने प्लान किया था, वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तभी वहाँ गैस भी आके कहता है, हम पहले लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं। एलेक कहता है, गुड, अब मैं और वेट नहीं कर सकता अपनी नजरें मिलाने के लिए उन सो कॉल्ड ड्रैगन बॉल्स से, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। और तीनों मुस्कुराते हैं। तो चैप्टर 75 यहीं खत्म होता है और पता तो चल ही गया होगा कि वो सिर्फ ग्रेनोला का इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रैगन बॉल्स को पाने के लिए। और वेजिटा और ग्रेनोला की फाइट बराबर हो गई है। इसका मतलब आगे के चैप्टर्स में कुछ और नया मिलेगा। तो मैं तो एक्साइट हूँ ये देखने के लिए। अब तुम भी इसके लिए तैयार रहना, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हें अगले चैप्टर्स भी इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।